गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हमारा जो नया वीडियो अभी आपको दिखाने वाली हूँ मैं, बेसिकली वो डॉपलर सोनोग्राफी के रिलेटेड है। व्हाट इज डॉपलर? डॉपलर यानी आपके लैंग्वेज में आप लोग उसको कलर वाली सोनोग्राफी बोलते हैं, क्योंकि आपको वो ब्लू और रेड कलर दिखता है। तो एक्चुअल वो कलर वाली सोनोग्राफी नहीं रहती, जिसमें हम लोग बच्चे का ब्लड फ्लो चेक करते हैं, इसकी वजह से उसको कलर डॉपलर बोलते हैं। अभी ब्लड फ्लो हम लोग कौन सी चीज़ों का देखते हैं? मेनली बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड का चेक करते कलर डॉपलर सोनोग्राफी में। फिर उसके साथ में बच्चे के ब्रेन का ब्लड फ्लो चेक करते हैं। बच्चे के ब्रेन में एक मिडल सेरेब्रल आर्टरी करके रहती है, उसका ब्लड फ्लो देखते हैं हम लोग। और उसके साथ में जो मदर के यूट्राइन आर्टरीज रहते हैं, मतलब मदर के यूट्रस से तो ब्लड फ्लो अच्छा चल रहा है या नहीं, मतलब ओरिजिन से ब्लड अच्छा जा रहा है या नहीं, ये सब तीन चीज़ों का इम्पोर्टेंट हम लोग ब्लड फ्लो देखते हैं। मतलब बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड का, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का और यूट्राइन आर्टरी का, ये इम्पोर्टेंट फाइंडिंग देखते हैं हम लोग कलर डॉपलर में। अभी उसके साथ में हम लोग जो बेसिक चीज़ें सोनोग्राफी में देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ देखते हैं, बच्चे का पोजिशन देखते हैं, बच्चे के अराउंड का पानी देखते हैं, प्लेसेंटा का पोजिशन देखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी साथ में चेक होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कलर डॉपलर सोनोग्राफी कैसे होती है। ये हमारी 34 वीक्स की प्रेग्नेंट लेडी है। 34 वीक्स यानी क्या कि जब भी आपको 9th मंथ स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे डॉक्टर 9th मंथ स्टार्ट होने के वक्त कलर डॉपलर सोनोग्राफी नहीं करते हैं, लेकिन मैं रूटीनली करती हूँ, क्योंकि ये टाइम पे अगर मुझे लगा कि बच्चे का ब्लड फ्लो कम है या बच्चे का पानी कम है या वेट कम है, तो उस केस में मैं पेशेंट को और मेडिसिन बढ़ाती हूँ, ताकि 9th मंथ के एंड में बच्चे का वेट और पानी सब अच्छा रहे। तो आपको अभी स्क्रीन की तरफ देखना है, हम लोग सोनोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने सोनोग्राफी स्टार्ट की है। ये जो आपको गोल दिख रहा है फुटबॉल के जैसे, ये बच्चे का हेड है। हम लोग क्या करते हैं, पहले बच्चे के सभी मेजरमेंट कंप्लीट करके लेते हैं। बीपीडी 7.98, 32 प्लस 0, एचसी 28.80, 31 प्लस 5, प्लेसेंटा इंटीरियर 80, ये AC यानी बच्चे के अब्डोमेन का सर्कमफेरेंस ले रहे हैं हम लोग। आपने ग्रोथ स्कैन में देखा होगा कि हम लोग बेबी का ग्रोथ कैसे चेक करते हैं, तो सेम पहले हम लोग बेबी का ग्रोथ चेक करते हैं और एंड में ब्लड फ्लो चेक करते हैं। AC 28.86, 32 प्लस 6, ये बच्चे का थाई बोन है। देखो, हम लोग टेक्निकली बच्चे की हाइट नहीं ले सकते, लेकिन हम लोग बच्चे के थाई बोन का हाइट लेते हैं, उससे अपने को ऑन एन एवरेज बच्चे की हाइट पता चलती है। FL 6.79, 34 प्लस 6, बेबी वेट 2153, एवरेज 33 प्लस 0, ईडीडी 21 जुलाई। अभी हम लोग बेबी के अराउंड का पानी देख रहे हैं, तो ये लाइकर के पॉकेट काउंट करते हैं हम लोग। टमी को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते, अभी मैंने लेफ्ट लोअर लिया, अभी लेफ्ट अपर ले रही। अभी ये राइट अपर क्वाड्रेंट हो गया। इंडिविजुअल हाइट ऑलमोस्ट एक 3 to 4 सेंटीमीटर तक आ रही। लाइकर एडिक्वेट, A5 14 to 15 सेंटीमीटर। ये है आपको ब्लिंकिंग दिख रहा है, ये बच्चे का हार्ट है। अभी हम लोग जो ये आपको दिख रहा है रेड और ब्लू कलर के वेंस दिख रहे हैं, इसको हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, और इसका ब्लड फ्लो चेक कर रहे हैं। आपको आवाज आ रही है?
ये अम्बिलिकल कॉर्ड का वेव फॉर्म है, अम्बिलिकल आ रहा है 0.65, पीआई 1.01, एसडी 2.87। तो ये नॉर्मल ब्लड फ्लो है बेबी के अम्बिलिकल कॉर्ड का। अभी मैं बच्चे के ब्रेन पे जा रही, तो इसमें हम लोग जो मैंने बोला था कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी करके बोलते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है अगेन आपको वर्टिकल, ये बच्चे के ब्रेन का आर्टरी है, इसका ब्लड फ्लो ले रहे हैं। MCRI 0.78, PI 1.63, SD 4.55। तो ये भी नॉर्मल है, बच्चे के ब्रेन का ब्लड फ्लो भी नॉर्मल है। अभी हम लोग डॉपलर के एंड पार्ट पे आ रहे हैं। ये आपको हेड दिख रहा है बेबी का, ये जो गोल फुटबॉल के जैसे ये हेड है। फिर हम लोग बेबी के बैक पे जा रहे हैं, ये स्पाइन दिख रहा है और ये बच्चे का नेक है। तो बच्चे के नेक के अराउंड कॉर्ड तो नहीं है ना, वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो आपको ऐसे ये ब्लू और रेड कलर में वर्टिकली वो कॉर्ड जाते हुए दिखेगा, ये देखो सिंगल लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक। तो अभी हमारा डॉपलर सोनोग्राफी खत्म हुआ है, हम लोगों ने सभी चीजें चेक की है। ये बच्चे के अराउंड का ब्लैक ब्लैक जो है ये पानी है, ये प्लेसेंटा है वाइट चंक। बच्चे का वेट भी अच्छा आ रहा है और ब्लड फ्लो भी अच्छा है। तो हमारा डॉपलर सोनोग्राफी खत्म हुआ है। तो फ्रेंड्स, अपना जो आज का लाइव व्लॉग था या लाइव वीडियो था कि डॉपलर सोनोग्राफी हम लोग कैसे करते हैं, नाइन्थ मंथ के शुरुआती में 34 वीक्स को और 37 वीक्स को ऐसे में दो बार डॉपलर सोनोग्राफी करती हूँ। तो ये सोनोग्राफी में हम लोग आपके बच्चे का ब्लड फ्लो कैसे चेक करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड का, और बच्चे के ब्रेन का ब्लड फ्लो कैसे देखते हैं, साथ में बच्चे का पोजिशन, वेट, पानी, प्लेसेंटा का पोजिशन कैसे चेक करते हैं, वो अगर आपको यूजफुल लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आपके जो भी रनिंग फ्रेंड्स हैं जो प्रेग्नेंट हैं उनके साथ ये शेयर करो और हमारे चैनल को ऐसे ही फॉलो करते हैं। थैंक यू।